नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, गीता के सुंदर शिक्षाओं में एक प्यारी सी शिक्षा ये कि जीवन में हार और जीत होते रहेंगे, लेकिन जो समझदार है, जो शक्तिशाली है, वो इन दोनों में समान स्थिति में रहता है और उसे योगी कहा जाता है। आप सब भी योगी बनकर जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और हमें बढ़ना ही चाहिए। मित्रों, जहाँ सफलता हमें खुशी प्रदान करती है, वहीं असफलता हमें सीख प्रदान करती है, अनुभवी बनाती है। तो जहाँ जीत हमें प्रसन्नता दे रही है, वहीं हार भी तो कुछ दे रही है। तो हमें कुछ ना कुछ तो सुंदर मिल ही रहा है जो जीवन में हमें आगे बढ़ाने वाला है। इसीलिए कभी भी हार में हार ना मान लें, निराश होकर ना बैठ जाएं, लेकिन आगे से आगे बढ़ते रहने के संकल्प के साथ जीवन में सतत प्रगति करते रहें। और ऐसा ही सुंदर सुवाक्य लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं, आइए सुनते हैं। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जिस प्रकार बिना चढ़ाई के कोई ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार हार महसूस किए बिना कोई बेहतर नहीं बन सकता। बिना हारे कोई भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान और गुणवान क्यों ना हो। क्योंकि हार हमारे प्रयास का अंत नहीं है, बल्कि जीत तक पहुंचने की सीढ़ी है। हार ही वो परिणाम पत्र है जिससे हमें हमारी गलतियों और कमजोरियों का पता चलता है। जब हमारी वर्तमान की योजना या प्रयास में कोई गलती होती है, तब पुनर्विचार कर उसे सुधारने के लिए नियति हमें एक संकेत देती है, जिसे ही हम हार कहते हैं। हार से सीख लेकर ही विजय प्राप्त की जाती है, क्योंकि यही सफल होने की प्रक्रिया है। जिस तरह सीढ़ियों को छोड़कर हम छत पर नहीं पहुंच सकते, उसी प्रकार हार को छोड़कर हम जीत तक नहीं पहुंच सकते। तो हर हार से बेहतर होने का संकल्प करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ था कि दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। सचमुच कारगर सी बात है। डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं, हमारे बड़े हमेशा यही कहते हैं कि खुश रहो तो बीमारियां कम हो जाएंगी, खुश रहो तो जो दवाइयां ले रहे हो वो दवाइयां भी काम करेंगी। तो न केवल मित्रों बीमारियों के समय, लेकिन अपने हर कार्य को यदि हम खुशी खुशी करते हैं तो कार्य बहुत ही सहजता से सफल होते हैं। इसका भी आप अनुभव करके देखें। कई बार हम खुशी प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम खुशी खुशी ही कार्य करें तो हमारी जो प्राप्ति है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमेशा खुश रहें इसी संकल्प के साथ। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ हम सेहत की बात करते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आज सारे विश्व में वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया जा रहा है। आप जानते हैं अर्थराइटिस जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमारे जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, हड्डियों के जोड़ हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है या उसमें इन्फ्लेमेशन सूजन आती है, जिसमें हमारी बॉडी में हमारे स्टिफनेस आती है, स्वेलिंग हो जाएगी और उससे क्या होगा, हमारी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इसका आज तक अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं है। जैसे मोस्टली जो है सबसे कॉमन जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट, हिप जॉइंट, बैक, स्पाइन, नेक, ये सब का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। दूसरी कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड या पैर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। तीसरी है गाउट, जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उससे भी हमारे में डैमेज होता है। तो इस वर्ष इसका जो थीम है वो जॉइंट हेल्थ फॉर ऑल, तो ऐसे ताकि सबके लिए सबके जॉइंट्स नॉर्मल रहें, ये इसका एम है। ये लोगों को बताना होगा कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसको हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जॉइंट डिजीज़ क्या होती है, कैसे स्वेलिंग पैदा होती है, कैसे इन्फ्लेमेशन सूजन कैसे पैदा होती है, उसके क्या कारण होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है, रॉन्ग पोस्चरिंग से होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है, गाउट क्यों होता है, ऐसे बहुत सारे आर्थराइटिस हैं। तो अगर उसके बारे में समाज में अवेयरनेस क्रिएट करें। और तीसरा, अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस,
बीमारी बढ़ गई, आपकी डिफॉर्मिटीज हो गई, फिर तो ऑपरेशन नहीं कराओ, या ऑपरेशन से भी फायदा नहीं होता। इसलिए कहते हैं रूमेटिक RMDs, रूमेटिक मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटीज डिसऑर्डर्स। तो इसके लिए हमारे पास आज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर हम सही समय पर डायग्नोज कर लें और बीमारी की प्रॉपर दवाई समय पर करें तो इस सिम्टम्स से काफ़ी हम रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों याद रहे, आज हम अपने आसपास, अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में, अपने अपने या वर्किंग स्थान में आप इसे अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं जो हमें, जो हम टोटली प्रिवेंटेबल हैं। अवेयरनेस क्रिएट करें और जल्द से जल्दी अगर हो गई ये बीमारी तो डॉक्टर्स के पास आप जाएँ। अगर फैमिली हिस्ट्री भी है अगर आपको बीमारी की, तो भी आप बचपन से ही, छोटी उम्र से अपना अवेयरनेस रखें कि हमें इससे कैसे मुक्ति पाए। ऑप्शन मित्रों कहते हैं जीवन में पीछे देखो तो अनुभव मिलेगा, आगे देखो तो आशा मिलेगी, और अपने भीतर देखो तो सत्य मिलेगा। और यही सुंदर सा कार्य ब्रह्मा कुमारीज करती हैं। जब कभी भी यहाँ आम जन या विशिष्ट जन आते हैं तो यहाँ अंदर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, और जब अंदर व्यक्ति जाता है, स्वयं को देखता है, स्वयं में झांकता है, तो वो सत्य को समझ पाता है कि जीवन क्या है, जीवन में किया क्या जाना चाहिए। और ऐसी सुंदर अनुभूति हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं जब यहाँ आते हैं, और इस मंच से वो फिर साझा करते हैं कि हमने यहाँ आकर क्या सीखा, क्या पाया, और उनके इन्हीं सुंदर बातों को, अनुभवों को हम प्रतिदिन आप तक विशिष्ट जन की बातें विशेष में लेकर आते हैं। आप खास करके ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय में आई हुई हैं, और ये भी महिलाओं के द्वारा संचालित एक विश्वव्यापी संगठन है जो कि महिलाओं के द्वारा भी संचालित है, महिलाओं के लिए भी कार्य कर रहा है, विश्व के लिए तो कर ही रहा है। यहाँ के जो प्रयास हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेडिटेशन है, मैं कल दोपहर को यहाँ पहुँची और आई लाइक द एनर्जी ऑफ द प्लेस। यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल था, दैट इज वेरी पीसफुल, तो वो एक चीज़ मुझे, मैंने श्योरली नोटिस की जी। दूसरी बात, आई थिंक माइंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज बॉडी इज, सिमिलरली माइंड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप, इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन, अगर आपके माइंड के ऊपर फोकस करोगे, इफ यू वर्क ऑन योर माइंड, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, दिस इज माई बिलीफ। दूसरी बात कि मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। मैं सुबह उठकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती हूँ, वॉट एवर आई कैन डू, और मुझे लगता है कि मेडिटेशन से आप अपने माइंड से, आपके आप इनर सेल्फ से आप कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। आपके क्या दुख है, आपके क्या डर है, लाइफ, डेथ, सफरिंग, डिजीज, इसके बारे में आप, यू नो, यू कम इन टच विद दैट। क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर, यू नो, वेरियस फियर्स आर देयर, कभी डाउट्स होते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा मेरा, क्या होगा, या तो कोई रिलेशनशिप अगर हो, तो अगर वो रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहा हो, तो आपको डर लगता है कि व्हाट विल हैपन इफ आई लूज ऑन द पर्सन। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर माइंड, लेकिन आमतौर पे जिंदगी में हमारे पास वक्त नहीं होता है इन चीज़ों पे गौर करने का। लेकिन अगर आप मेडिटेट करो तो यू कैन एक्चुअली गो टू द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ योर माइंड, आप वो चीजें देख सकते हो, सही सही निर्णय भी ले सकते हैं कि yes. जो अंदर चल रहा है yes. और इसी के लिए शायद हम लोग वक्त नहीं निकालते कि हम अपने आप को देखें कि अंदर क्या चल रहा है, और बाहर की ही भागम भाग चलती yes. रहती है। तो ये एक इनर वेल्थ है मेडिटेशन, और आपका जो इनर पीस है दैट इज अ वेल्थ। जैसे हम सिर्फ समझते हैं दुनिया है, वहाँ पैसे बनाना, ये सब सक्सेसफुल होना, लेकिन इनर वेल्थ इज आल्सो पीस ऑफ माइंड, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट। तो बाहर की जो सफलता प्राप्ति के लिए हम भागते हैं, या आपने भी जो अब तक सफलता प्राप्त की है, अंदर की इस संसार को या मेडिटेशन को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं? आई गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द माइंड एंड टू मेडिटेशन। आई एम सक्सेसफुल इन वॉट आई डू। इसमें श्योरली मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत लगती है, इट्स नॉट ओनली फिजिकल। एक कहावत है, द मी आई थिंक इज द मी आई विल बी, मतलब आप जो सोचते हो कि आप वहाँ, आप वहाँ जाकर वहीं पहुँचोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ।
सुंदर प्रेरित करने वाला अनुभव। सचमुच सत्य और मूल्य ये ऐसी संपदा हैं जो व्यक्ति को बहुत विशेष बना देती हैं, व्यक्ति को खास बना देती हैं, मानव को महामानव बना देती हैं। और यही तो हमारी कामना रहती है मित्रों कि हम जीवन को बहुत गहराई से समझ सकें, स्वयं को समझ सकें कि वास्तव में मेरे जीवन का ध्येय क्या है, मैं क्या ऐसा करूं जो स्वयं भी और भी मेरे रहते हुए भी मेरे जाने के बाद भी हमेशा प्रेरित होते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, कुछ ऐसे सुंदर कार्य मैं करके जाऊं। और वो कार्य क्या हो सकते हैं और जीवन ऐसा कैसे हो सकता है, यही सुंदर सेवा और यही सुंदर आध्यात्मिक भाव ज्ञान ब्रह्मा कुमारी जनजन को प्रदान कर रही हैं। और उनके इन्हीं सुंदर सेवा कार्यों को हम प्रतिदिन पीस न्यूज हाइलाइट्स में देखते हैं। कर्नाटक के गदग में ब्रह्मा कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य पर सेवा केंद्र में बुजुर्गों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गदग जिला कलेक्टर श्रीमती वैशाली जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से डॉक्टर महेश हेमाद्री जी, स्थानीय केंद्र समन्वयक राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी एवं अन्य विशेष अतिथिगण मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तत्पश्चात उपस्थित अतिथिगणों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर महेश हेमाद्री जी ने पधारे सभी लोगों को संबोधित किया। इस पूरे संगोष्ठी में करीब 1000 भाई बहनों ने भाग लिया, जिसमें सभी को विभिन्न एक्टिविटीज भी कराई गई। कार्यक्रम के अंत में मौजूद सभी लोगों को आरोग्य भाग्य पोषण पाउडर के पैकेट भी वितरित किए गए। जो बीत गया बीत गया, इसलिए जो वर्तमान है उसे हम सुंदर से सुंदरतम बनाएं। और आने वाला जो नवंबर मास है उसमें भी आपने जो सुंदर संकल्प लिए हुए हैं उसे दृढ़ता से पूर्ण करते चलें। हमारे दिल की बहुत बहुत दुआएं और मंगल कामनाएं आप सभी भाई बहनों के लिए है कि आपका जीवन सुख से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो और जीवन के हर पल को खुशी और उत्साह के साथ आप जिए, अपनी मंजिल की ओर बहुत तीव्रता से जल्द पहुंचें, बढ़ें और सारे जग का कल्याण करें। तो दिल की फिर से एक बार दुआओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।